नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आर्थिक वृद्धि दर में भारत ने चीन को पछाड़ा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी के बीच आकर्षक बिंदु के रूप में उभरे भारत ने 2015 में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि के लिहाज से चीन को पीछे छोड़ दिया और नए साल में इसकी वृद्धि दर 7 से 7.5% रहने की उम्मीद है, बशर्ते सुधार जारी रहे और कारोबारी माहौल सुधरे। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने भरोसा जताया कि भारत सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर बरकरार रह सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत 2016 में 7 से 7.5% की दर से वृद्धि दर्ज करेगा। श्रीलंका नौसेना ने 29 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। श्रीलंका की नौसेना ने एक बार फिर समुद्री सीमा का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 29 भारतीय मछुआरों को गुरुवार तड़के गिरफ्तार कर लिया और उनकी 3 नौकाएं भी जब्त कर ली। राज्य मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने यहां बताया कि तमिलनाडु में नागपट्टिनम जिले के तटवर्ती गांव अकरई पित्तई के ये मछुआरे कथित रूप से त्रिंकुमाली तट के पास मछली पकड़ रहे थे। उल्लेखनीय है कि श्रीलंकाई नौसेना ने गत 3 महीने में 80 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के मंदिरों में लागू होगा ड्रेस कोड। तमिलनाडु के विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को 1 जनवरी से नए ड्रेस कोड का पालन करना होगा। इस संबंध में कई तीर्थ स्थलों ने इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी है। अधिकारी ने बताया कि 1 दिसंबर को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हुए मंदिरों ने इस ड्रेस कोड को लागू किया है। पलानी मंदिर में लगी सूचना के अनुसार जो श्रद्धालु लुंगी, बरमूडा, जींस और कसी हुई लेगिंग्स पहनकर आएंगे उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राज्य के अन्य मंदिरों में भी इस तरह की सूचनाएं लगाई गई हैं। रमादी में अब भी छिपे हैं आईएस के 700 आतंकवादी। इराक के अनवर प्रांत की राजधानी रमादी पर इराक की सेना के कब्जे के बावजूद उसके मध्य तथा बाहरी भाग में इस्लामिक स्टेट के 700 आतंकवादी छुपे हुए हैं। यह जानकारी अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने दी है। गठबंधन का कहना है कि अनवर प्रांत की राजधानी के मध्य भाग से इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों तथा उनके एजेंटों का सफाया करने के साथ ही विस्फोटकों को भी हटाया जाना बाकी है। इस्लामिक स्टेट ने 2014 में इस प्रांत पर कब्जा किया था। अमेरिका के मध्य पश्चिमी इलाकों में बाढ़ का कहर। अमेरिका के मध्य पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश के बाद कई नदियों में बाढ़ आने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब तक इस आपदा में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय मौसम सेवा केंद्र के अनुसार मिसिसिपी नदी समेत सभी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है और बाढ़ के कारण कई सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। इस कारण टेक्सास को सेंट लुइस से जोड़ने वाला मार्ग भी बंद हो गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।